हार हो चाहे जीत हो, तेरे चरणों में सतगुरु मेरी प्रीत हो। सत बनी सत गुरु जी की चेरी।
सबसे सिंधु भी साचे सत गुरु जी मेरे साचे हैं। सत गुरु जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने हमको तुमको नाम दान दिया और नाम रतन धन मिलने के बाद उन्होंने अपने चरणों से लगा करके रखा और बराबर संदेशा देते रहे कि सुबह और शाम लग करके ये शरीर कब छूट जाए, कब बुलावा आ जाए, किस देश से जाना पड़े, तो इसके लिए किसी को कोई पता नहीं। तो इसलिए सुबह शाम को सुमिरन ध्यान भजन करो। जब सुमिरन ध्यान भजन करते रहोगे अंतर में मुलाकात मिलाई होती रहेगी, चढ़ाई रसाई होती रहेगी, तो दया मेहर बरसती रहेगी। सतगुरु के दर्शन प्रसन्न जब होने लगते हैं तो अंतर आत्मा गदगद बिल्कुल गदगद रहती है। निर्मल पवित्र तो होती ही है, गदगद भी होती है, प्रफुल्लित होती है, खुशमय होती है। तो प्रेमियों स्वामी में लगन लगाना हमारा तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। हमने और कुछ तो देखा नहीं, बाहर से अपने स्वामी सतगुरु को देखा है, तो जब हम इनमें लगन लगाएंगे, इनको देखेंगे, तो इन्हीं के साथ साथ सारी चीजों को देख लेंगे। जहाँ जाएंगे वहाँ हम भी चलेंगे, हर देश के दर्शन हमें भी हो जाएंगे। और जब स्वामी सतगुरु में लगन नहीं लगाएंगे तो कैसे काम बनेगा? याद गुरु की आएगी नहीं, सतगुरु की आएगी नहीं, तो काम तो बनने वाला नहीं। इसलिए गुरु का जो है ध्यान करना बहुत जरूरी है। जब गुरु का ध्यान करते रहोगे तो परमानंद सुख प्राप्त होगा। इस सुख को प्राप्त करने के लिए ही हमने नाम दान लिया है और नाम की दया कृपा बरसती रहेगी। और साथ ही साथ ये जो सूरत जीवात्मा है ये निर्मल और पवित्र हो जाएगी। निर्मल पवित्र होने के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए अपने धाम को चली जाएगी। जब अपने धाम को चली जाएगी तो दोबारा जीवन मरण से मुक्ति मिल जाएगी। जीवन मरण से जब मुक्ति मिल जाएगी तो मुक्ति के लिए हमने भक्ति किया है कि हमें मुक्ति मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, शिवपुरी ब्रह्मपुरी मिले, अच्छी जगह मिले, ये सूरत जीवात्मा 84 से भटका ना खाए, 84 से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। इसी के लिए सुमिरन ध्यान भजन करना है और इसी लिए स्वामी जी महाराज ने बताया है। प्रेमियों प्रभु अनंत, वो अनंत प्रभु हर जगह विद्यमान और विराजमान है। इसलिए हर जगह विद्यमान और विराजमान सतगुरु स्वामी को कभी भूलना नहीं चाहिए कि कहीं चले गए। विद्यमान और हर समय विराजमान सतगुरु दया के सागर हरदम दया बरसाते हैं। तो जो दयावान स्वामी है उस दयावान स्वामी से दया द्वाची भी हम सब मांगते हैं और वो दया द्वाची भी हम सबको देते रहते हैं। देखो एक विश्वास की पुड़िया कि हमारे स्वामी जी महाराज हमारा ये काम पूरा कर देंगे। तो
एक विश्वास की कुड़िया हमारे तुम्हारे साथ लगी है। एक विश्वास ही है जो स्वामी जी महाराज से हम सब जुड़े हुए हैं, और स्वामी जी महाराज ही सब कुछ देते हैं, वही दाता है। उन्हीं से मांगना है, किसी दूसरे से मांगने पर कोई चीज मिलेगी नहीं। इसलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े बाके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव। बिना गुरु के हमें पता नहीं चलेगा कि ये कौन है, जब वो बताएंगे ये वो है ये वो है ये है ये है तभी हमें। और जब तक बच्चे को माता पिता ये न बतावे कि ये उठ जाएगा, माता पिता ये न बतावे कि ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, ये मामा है ये फूफा है ये चाचा है ये चाची है ये पिताजी हैं, और मम्मी को ये न कहा जाए ये मम्मी मम्मी, तो बच्चे को शायद ये भी याद ना रहे कि ये कौन हमारे हैं। तो उसी तरह सूरत जीव आत्मा को अबोध बच्चे की तरह ये होती है, इसको भी स्वामी जी सब गुरु पढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ये स्वर्ग है, ये वैकुंठ है, ये शिवपुरी है, ये ब्रह्मपुरी है, ये राम का देश है, आद्या माँ शक्ति का देश है, ब्रह्म ये पार ब्रह्म है, महाकाल प्रशे सत्ता, सारी चीजों को वो बतलाते हैं। स्वामी जी महाराज ढाई ढाई तीन तीन घंटे आपको सत्संग सुनाते हैं। सिर्फ सूरत कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, किस देश में जाएगी, कहाँ तुम्हारा बसेरा है, कहाँ तुमको रहना है, और कैसे कैसे करके सुमरण ध्यान भजन करना, और कब चलना है कब निकलना है। तो प्रेमियों, जब हमको निकलना है तो सुमिरन ध्यान भजन करके निकलना है, उस तरह निकलना होगा तो जबरदस्ती निकालना है। इस तरह सुमिरन ध्यान भजन करके निकल चलना है धीरे से। सुमिरन ध्यान भजन में ये सूरत की आत्मा ऊपर को चढ़ चढ़ और चढ़ करके धीरे से निकल जाए, और उस तरह जब वो जबरदस्ती जमराज भी करेंगे या धर्मराज भी करेंगे, अब जबरदस्ती करेंगे या प्रेम से कहेंगे चलो भैया तुम्हारा समय पूरा हो गया, तो डर तो लगेगा कि भैया अब जाने हैं, अभी घर छूट रहा है, वो बच्चे छूट रहे हैं, ये बच्ची छूट रही है, परिवार छूट रहा है, ये गाँव वाले छूट रहे हैं, ये अभी हम दूध लगाते थे वो भैंस छूट रही है, ये छूट रहा वो छूट रहा, मतलब नाना प्रकार के मोह उस समय खड़े हो जाए। लेकिन जब तुम स्वयं जीते की मारने की कला सीख रहे हो, जीते की मारना चाह रहे हो कि हम जीते की मरेंगे और जीते की जाएंगे, तो जब जीते जी जाने आने की तुमको कला आ गई, जीते जी जाने आने का मार्ग आपको पता हो गया कि हम जीते जी वहां स्वर्ग में जाएंगे और चले आएंगे, जब आपको जानकारी हो गई कि इस तरह जाना है और इस तरह वापस आना, तो जीते जी आने जाने को सीख लिया तो उसमें मरने का कहां है, वो तो मर मर के ही जाते हैं। श्वास बंद या शरीर एकाग्र चित्त, आपको पता ही नहीं कि कब स्वर्ग पहुंच गए, आपको पता ही नहीं कि कब वैकुंठ पहुंच गए, तो उसी तरह आपको पता ही नहीं कि कब आप यहां से निकल गया। तो प्रेमियों, निकलना तो पड़ेगा, रे मई मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो ये मुसाफिर खाने से हमको तुमको जाना पड़ेगा, तो इसीलिए कहते हैं भजमान राम नाम है प्यारो, भजमान मेरा नाम आया धारो,
सदा भावे की बेलावे रही बात है। एक सेठ था, सेठ
दूर दूर देशों में जाता था व्यापार करने के लिए। अचानक समंदर में तूफान आया, उसकी नौका डूब गई, नौका डूब गई और समुद्र में कूद गया और अपने गुरु को पुकार रहा है, गुरु को पुकार रहा है। जो समंदर से हाथ निकला, देखो हम तुम्हारे गुरु के गुरु के गुरु हैं, हमारा हाथ पकड़ लो, हम तुमको पार कर देंगे। महाराज जी आप जाइए, जिसने हमको नाम दान दिया है बस उसी से मुझको मतलब है, बाकी हम किसी के साथ जाने आने वाले नहीं। फिर इधर उधर एक तथ्य के सहारे तैर रहा है, फिर दूसरा हाथ निकला का तुम्हारे गुरु के गुरु के गुरु है, हमारा हाथ पकड़ लो, उस पार कर दे। कहा देखिए महाराज जी, हमको अपने गुरु महाराज से ही मतलब आओ। फिर कहा हम तुम्हारे गुरु के गुरु हैं, हमारा हाथ पकड़ लो, पार कर देंगे। कहा महाराज जी हमको अपने गुरु से ही मतलब, जब वो आएंगे तभी हम उस पार को जाएंगे। जब गुरु की परीक्षा हो गई, दृढ़ विश्वास हो गया कि गुरु का पक्का है, एक छकोला आया और सीधे वो तट एकदम से किनारे उतर के खड़ा हुआ और अपने गुरु को धन्यवाद दिया और नाव भी उसकी किनारे आ गई, पानी भी उसका निकल गया। तो उसने गुरु को धन्यवाद दिया कि हे सर्व समर्थ संत शिरोमणि, अगर कहीं हम किसी का और का हाथ पकड़ लेते तो मुझे डुबा देता, कोई भूत प्रेत तो होता, ऐसी परिस्थिति में ऐसा कर रहा है। तो ये कई साधे सब सदै सब साधे सब जाए रहे मन हो सीचे मूल को भूले भले अघाई। तो जब जड़ में पानी डालेंगे तो पेड़ हरा होगा, जड़ में पानी नहीं डालेंगे तो पेड़ हरा नहीं होगा। अब ऊपर से सींचने में थोड़ा कुछ होगा, उसके जड़ में पानी डालना है। तो प्रेमियों उसी तरह सूरत जीवात्मा जो है एक मूल है, इस मूल को नाम के रस से, नाम के अमृत जल से सींचना पड़ता है, आवाज लगानी पड़ती है और ऊपर से शब्द का रस उतर रहा है अंदर, शब्द रस अंदर में जो उतर रहा है उस शब्द रस के अंदर के सहारे ऊपर को। देखो प्रेमियों आप सभी ने सुमिरन ध्यान भजन रोज नहीं, करने को तो रोज वो है, लेकिन बैठे आप सभी लोग और थोड़ा बहुत अनुभव सबको होगा कि जब सुमिरन करते बैठते हैं, जब सुमिरन कभी कभी मन मन लग जाता है और बनने लगता है या ध्यान बनने लगता है तो शरीर लगता है कि ऊपर को खींच गया है और उसके बाद में जैसे वो चुंबक छोड़ देता नीचे को गिर गए, फिर ऊपर को उठ गए, फिर नीचे को गिर गए, ऐसा ऊपर नीचे को खिंचाओ होता है। तो ये नाम की पावर है, नाम के पावर से पूरा खिंचाओ हमेशा हुआ है और हमेशा होगा। और एक दिन ऐसा होता है कि धीरे से सुरत निकल जाती है, लोग डरते हैं कि कहीं मान ना जाए, अगर कान में उंगली लगाया और कस गए श्वास खींचा और राम नाम सत्य हो गया तो फिर कल खेत पहुंच जाएगा, बड़ा बड़ा होगा, हल्का से कुछ हुआ तो इसमें तो परीक्षा होती है, परीक्षाओं का तो दौर है, गुरु के दरबार में परीक्षा होती है, मगर इतनी बड़ी परीक्षा नहीं होती कि तुम फेल हो जाओ। गुरु के दरबार में परीक्षा इस प्रकार की होती है कि तुम पास हो, तुम्हें भय भी न लगे, तुम्हारा काम हो जाए। तो प्रेमियों स्वामी जी महाराज ने सब कुछ समझाया और बताया और ये भी बताया कि मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां चाह करके भी तुम हमारे पास नहीं आ सकते, कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, जैसे राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, उसके बाद अयोध्या फिर आए, फिर राज तिलक हुआ, फिर बहुत दिनों तक रहे। तो इसी तरह जो युग परिवर्तक होता है,
जिसको युग का परिवर्तन करना होता है तो युग परिवर्तक बिना युग का परिवर्तन किए जाता नहीं। तो प्रेमियों, सदा सर्वदा यही रहा है कि स्वामी भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है, गुरु भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है, गुरु की पूजा में ही सबकी पूजा होती है। इस तरह बिना गुरु के देखो, आप लोग ग्राम समाज में देखते हो किसी का शरीर छूट गया, शरीर छूट गया और उन्होंने गुरु नहीं किया था तो कहते भाई ये बुरा है, उन्होंने गुरु नहीं किया था। वो जो गाय का पत्ता स्वामी जी महाराज की जो नाम का पौधा है तो कहते भाई उन्हीं को गुरु बना करके उनकी लकड़ी उनको बांध, जिससे गुरु हो जाएंगे उनके। तो जीते की जब गुरु किया नहीं, अब सूरज जीवात्मा निकल गई, उस पिजड़े का क्या है, उसका तो कोई गुरु होगा नहीं। अब वो बोलता है नहीं, बोलता तो चला गया, बोलने वाला गया, लेने वाला गया, तो देने वाला क्या देगा, जड़ को जड़ दे दो कोई लाभ नहीं। तो प्रेमियों, सतगुर मिल जाए, जो सतगुर है वो मिल जाए अंदर से या बाहर से, तो अपने आप को धन्य भाग ही समझो कि सतगुर मिल गए, सारा काम हो गया। तो प्रेमियों, सतगुर की वंदना आठोयाम करते रहेंगे और सतगुर की आराधना आठोयाम करते रहेंगे। जब नाम दान लिया है तो रोज सुबह शाम संग्राम ध्यान भजन भी करेंगे, और सुबह ध्यान भजन करेंगे तभी कुछ प्राप्त होगा। मन तुम भजो सतगुर का नाम, स्वामी जी महाराज ने बताया है। और पांचों नाम की माला करने के बाद राम राम की ही माला होती है कि नहीं होती, राम 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 की माला होती है। वो पहले धाम के जो मालिक हैं राम, उन्हीं की माला करते हैं, लेकिन दुनिया वाले कहते हैं अरे बेकार है ये राम राम वाले नहीं है। अब क्या मालूम राम के हजार नाम, लाख राम, कृष्ण के हरि के अनंत नाम, अरे हजार नाम में से एक जो नाम भी राम का है। और सतगुरु जय गुरु, सतगुरु का मतलब ही होता सत्य का गुरु, जय गुरु देव। सत्य का गुरु तो सत्य का गुरु तो वही होगा जो सबका, जो सत्य है और सबसे परे है, और जो सतगुरु है सबका मालिक है वही तो सतगुरु है और वही प्रभु है। जय गुरुदेव, जय और देव आदर सूचक शब्द, गुरु ही सब कुछ है, समूल जड़ गुरु ही है। और उसी को अगर समर्थ संत सतगुरु शांत अंत तक, अंत तक ले जाने वाले को शांत कहते हैं। और वैसे तो महंत भी होते हैं और भी होते हैं, शिष्य भी होते हैं, हर प्रकार की चीजें होती हैं, पर जो हमारी जीवात्मा जीते जी परमात्मा से मिला दे, जीते जी परमात्मा से का दर्शन करवा दे, उसे ही हमारा संत सतगुरु कहते। और अगर जीते जी प्रभु परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, सतगुरु का दर्शन नहीं हुआ, उस प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, तो क्या मरने के बाद घर वालों को चिट्ठी पत्री नहीं आएगी,
कि वो स्वर्ग में पहुंच गए या वैकुंठ में पहुंच गए, किसी के पास अभी मुक्ति नहीं आई। हमने नहीं सुना, आप लोगों ने चाहे सुना होगा, हमने नहीं सुना कि किसी की चिट्ठी आई है उधर। यहाँ तो चिट्ठी आती है, मतलब घर अगर कोई बम्बई गया है और गांव में चिट्ठी भेजेगा तो आएगी, पर स्वर्ग वैकुंठ से कोई चिट्ठी नहीं आई। और सबके लिए यही कहा जाता है उनका स्वर्गवास हो गया, मतलब स्वर्ग लोग को पहुंच गए, कोई नर्क को गया ही नहीं। और स्वर्ग नर्क तो सबसे पहले यहीं पर है। उसके बाद जब फैसला धर्मराय के दरबार में हुआ तो वहाँ जो कर्म का विधान है, जिस तरह के कर्म किए होंगे उस तरह के कर्म के अनुसार फल मिलेगा। और यहाँ जो कहा गया कर्म विधान विश्व रच रखा, जो जस कीन का फल चाहता है। और प्रभु भी यही कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, सबका भाई, सबका संगी साथी हूँ और सबसे मेरा प्रेम है, पर मजबूरी ये यहाँ पर हो जाता हूँ कि यहाँ कर्म का विधान बनाए, विधान बना। संविधान के अंतर्गत अगर आप अच्छा किए हो तो अच्छा मिलेगा, बुरा किए हो तो हमें बुरा ही फल तुमको देना पड़ेगा। फल में देता हूँ, करने का अधिकार आपका है, आप स्वतंत्र हो और कुछ भी कर सकते हो, पर फल में करोगे तुम फल में। तो प्रेमियों करोगे तुम फल वो देगी, तो सोच समझ करके करना पड़ेगा कि अच्छा करेंगे तो अच्छा ही अच्छा मिलेगा, और अच्छाई का की समझ नहीं रही तो बुरे में फंस जाएगा। देखो तुमको सारी भविष्यवाणियां तुम्हारे गुरु की, हमारे सदगुरु की, सब फलीभूत होती चली आए। एक एक भविष्यवाणी जो गुरु महाराज ने सुनाई है, बताई है, उठी है, वो सारी भविष्यवाणी तुम्हारे सामने गुजर रही है। सब कुछ हो रहा है, एक भी इधर का उधर नहीं हो रहा है। तो गुरु के वचन तो सारे पूरे हुए, जब ये वाले पूरे हो रहे हैं तो जो उन्होंने कहा होगा सत्यता का, और सब सत्य ही है, सब पूरे हुए। तो प्रेमियों हमारा तुम्हारा कर्तव्य क्या है, हमारा तुम्हारा कर्तव्य ये है कि हम तुम लग करके सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन करें कैसे भी। और दिन में तो कहा है ही कि खेती दुकान दफ्तर का काम करो, रात में सो ये थोड़े कहा है कि मत सोना, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन करना अपनी जीव आत्मा का उद्धार करने का काम हमें नित कर्तव्य करना ही करना है। प्रेमियों सत्संग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप सभी लोग अभी आम जनमानस की तरह बैठे होते तो वही सब कुछ सुनाया जाता आम जनमानस वाला। यहाँ तो हम तुमको यही है कि गंगा जी में अगर कूदे हैं तो पार जाना, वापस नहीं आना। ये नहीं कि बुटकी मारने गए हैं, गंगा जी में कूदे तो गंगा जी की धारा को पार करके उस पार जाना, उसी पार मेरा प्रिया मिलेगा, मेरा सदगुरु मिलेगा, मेरा प्रीतम मिलेगा। अरे घाट पे घाट, घाट पर सदगुरु की बैठक है। ये त्रिपुरी बाहर की आंखों को बंद किया, अंदर में आप प्रकाश प्रकट हुआ, प्रकाश स्वरूप गुरु प्रकट हुआ, और उसके बाद में वो लेकर के चले दानी साइड में, तो उधर राम प्रभु, उधर फिर ब्रह्म प्रभु, उधर सोहन प्रभु, सत्यनाम प्रभु, जितने प्रभु हैं सारे प्रभु मिलते हैं, और सारे प्रभुओं के दर्शन करके फिर हम यही चले आएंगे और फिर यहाँ का काम करेंगे, फिर शाम को जाएंगे। देखो यही कलयुग है, छत्राणी मीराबाई के गुरु रविदास, कोई रविदास जी कहता है तो कोई रविदास जी कहता है, उन्होंने उनको नाम मंत्र बता दिया। सिर्फ वो एक ही नाम रखती थी मीरा के घर को पास दूसरों में, तो मीरा के केवल गोविंद थे, गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे, केवल
उनका जो मूल मंत्र था, नाम था, वो गोविंद हरे का ही था। तो मीरा के गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो तुम्हारे भी सतगुरु जय गुरुदेव दयाल दूसरों न। अब अगर आप चाहते हो कि हम गुरु का भजन करेंगे, तब तो आप करो। आप चाहते हो कि हम करेंगे नहीं, तब आप कुछ भी नहीं करोगे। कुछ भी इसलिए नहीं करोगे, हम निकले तो भैया, अरे हम भी वही बोलेंगे जो रटे रटा है, तुम भी वही बोलोगे। तुम्हारी माला हम देखने जाएंगे ना, हमारी माला तुम देखने जाओगे। पर सत्संग में एक यही चीज होती है प्रेरणा का स्रोत, ये भैया करना है, गुरु महाराज ने बताया तो उसको करना है, और करके उधर कुछ ना कुछ देखना है, उसको प्राप्त करना है। अगर जीते जी दिखाई सुनाई नहीं पड़ा तो शरीर छूट जाएगा, तो फिर से जन्म मिलेगा, ये नहीं कि जन्म नहीं मिलेगा, मनुष्य रूपी मानव को फिर मिलेगा, फिर वही गुरु मिलेगी, फिर नाम दान मिलेगा, फिर नहीं भजन करोगे फिर वही गति होगी, और जन्म तुम्हारा तो दूसरा दुख। जीते जी जीने और मरने, मतलब जन्म में और मरने में एक ही प्रकार का दुख होता है। तो प्रेमियों, मेरी आप सबसे विनती प्रार्थना है कि आप सब लोग लग करके सुमरण ध्यान भजन करोगे और उस प्रभु परमात्मा को बराबर याद रखोगे और अपने सतगुरु से नेह लगाए रखोगे। सतगुरु जय गोविंद सिंह राजपूत आपको सुनाएंगे थोड़ा उनसे।